महानगर में बुधवार को एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने यातायात विभाग के साथ शहर में नो पार्किंग एवं सड़क पर सफ़ेद पट्टी पर खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर वाहनों का चालान किया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने बताया कि जनता को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था देने के लिए प्रतिदिन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो लोग शहर में बिना मास्क और बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों का चालान किया जा रहा है और जो लोग अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को उठाकर यार्ड में भिजवाया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता हो और यातायात नियमों का पालन करें और जनता को एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था मिल सके। लोगों से अपील है कि मास्क और हेलमेट का ज़रूर प्रयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा, रोड पे कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं करें, फोर वे हो गया, रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। कोई भी गाड़ी खड़ी ना करें, फोर वे हो गया, रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। नोट कर लें, रोड पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना करें, फोर वे हो गया, रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, नशे के हालत में गाड़ी ना चलाएं, रोड पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना करें, फोर व्हीलर टू व्हीलर रिक्शा रिक्शा ऑटो रिक्शा, अन्यथा गाड़ी की चलान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। रेड लाइट जलने पे जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रुक जाएं, जेब्रा क्रॉसिंग पार न करें, चलान की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा चालान की कार्रवाई की जाएगी, बिना मास्क घर से बाहर न निकले, चौराहे पे गाड़ी खड़ा ना करें, 100 मीटर दूरी पे गाड़ी खड़ा करें, रोड पे कोई भी गाड़ी खड़ी ना करें, 100 मीटर दूरी पे गाड़ी खड़ा करें, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, बिना मास्क घर से बाहर ना निकले, गाड़ी खड़ी करते समय सफेद पट्टी का बिल्कुल ध्यान दें, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। यातायात नियमों का पालन करें और हमारा सहयोग करें, ये रोड पे कोई भी, अन्यथा गाड़ी की चालान की जाएगी या तो गाड़ी उठ के चली जाएगी। बिना हेलमेट बाइक न चलावें, पट्टी का बिल्कुल ध्यान दें, गाड़ी खड़ी करते समय सफेद पट्टी का बिल्कुल ध्यान दें। पब्लिक को सुचारू रूप से ट्रैफिक में दिक्कत कोई ना हो, अच्छे ढंग से आवे जाएं, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। सफ़ेद पट्टी के उस तरफ गाड़ी खड़ी करने के लिए जो बनाए गए हैं जगह, वहां पर गाड़ी खड़ी हो, उसके अतिरिक्त जो अंदर रोड पर गाड़ी खड़ी है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं गाड़ी को लिफ्ट किया जा रहा है, यार्ड भेजा जा रहा है। इसी तरह से जो हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं, जो मास्क नहीं लगाते उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है, वो कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर ये कब तक अभियान चलता है? ये लगातार जारी रहेगा सर। अभी बहुत लोग जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जाता है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है, उन पर जुर्माना लग रहा है और इससे लोगों में काफ़ी जागरूकता भी आई है और जल्दी ही ज़्यादातर लोग हेलमेट और मास्क के साथ ही दिखेंगे। सर कोई अपील लोगों से यातायात? यही अपील है कि यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे वो खुद सुरक्षित रहेंगे और वो खुद सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार भी